अनूपगढ़ का ये हाथ गया वाला लार और अनूपगढ़ आया। हेलो एवरीवन, आई एम रितेश बिश्नोई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फियरलेस रितेश बिश्नोई। टुडे आई एम शेयरिंग अ व्लॉग विद यू अबाउट रेनी डे इन अडानी विद फैमिली। एंड ये जो बारिश है ये फसल के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कॉटन की फसल भिजी हुई थी, पानी की कमी है। अभी आ गया था नहर के अंदर, लेकिन अभी इसको पानी मिलेगा एंड दिस विल अटैचिंग अ क्लिप जिसके अंदर मैंने सुबह सुबह उठते हुए जो मैंने शूट किया वो दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कल दोपहर 3 बजे से चली और अब तक कंटिन्यूसली धीरे 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 बारिश चल ही रही है। आज तो बरसात के कारण ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई काम है ही नहीं। नहीं, लेकिन अभी हम कुछ डिलीशियस बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे अभी वो बाद में व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। गाइस, अभी मेरे को एक बात पता चली है कि मेरे जो दादाजी हैं उनका जो नानका है वो पाकिस्तान में था। घिसो गांव डूंगो अनूपगढ़ का ये हाथ गया वाला और अनूपगढ़ आया अनूपगढ़ हित में एर अनूपगढ़ हूँ ईंडड़ जो हिंदी हाथ के हाथ की है। एक हित में फल का हित में भी तो अब क्या बॉर्डर पर जा रहे हो? नहीं, हाथ की अति चौड़ी है, एक मरबो चौड़ो है नहीं, अति लंबी कच्ची नहर बगे हाथ की पाकिस्तान में। खैर पानी कितने तो है, कितने ताल है, कितने कड़े है, एक मरबो चौड़ी बगे नाली बगे नहीं। आमना जमीन अच्छी है पाकिस्तान वाले, आगे जय जमीन अच्छी पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़िया जमीन। हाँ भाई, ऊन लो छड़ना वो छड़ो अच्छा नहीं, इंड बढ़िया मंग नहर का है भाई। पानी पीने आज आप तारबंदी पहला रेवड़ डांगर पा लिया, घड़ो भर ले जाता। गाइस, अभी 1-1.5 घंटा हो गया हमें बाहर जाके आए को, लेकिन अभी बारिश कंटिन्यूसली वैसे ही चल रही है। पता नहीं चल रहा है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा नहीं भीग रहे लेकिन धीरे 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 जैसे होती है ना आ ही जा रही है। एंड मम्मी जी यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पकौड़े बना रहे हैं और आज हमने अपनी रसोई यहाँ पे लगा ली बारिश के मज़े लेते हुए। देख लो कैसा भी है। मैं ना ये 1-2 पकोड़े खा के देख रहा हूँ कैसे हैं। वाओ, बहुत मस्त आला। आ जाओ आप सब भी, आ जाओ खा लो यार, बहुत बढ़िया। पहुँचा दूँ? ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल से समझो कि आपके पास है और कब खा रहे हो, ऐसे आनंद दो। अभी दादा जोरों को पकोड़े वगैरह दे दिए हैं और ये लास्ट है, इसके बाद हम सब बैठ के खाएँगे। परिवार के साथ बैठ के खाने में ना बहुत बढ़िया लगता है। हमने प्लान किया था ये, हम ये यहाँ पे बनाएंगे और आज लखन यहाँ और होता तो बहुत। हाँ, लखन को बहुत मिस कर रहे हैं हम। आदमी अपने वाइफ के बच्चे अपने मम्मी की तारीफ करो ताकि आपको बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। आजा बिल्ली, आजा मेरा तुम भी काम पे आ गए क्या? हाँ, चलो चलो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया। मम्मी जी ने आज बहुत ही अच्छे आलू के पकोड़े बनाए और जैसा कि आपको पता है कि बाहर बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बारिश आ रही है, कभी थोड़ी धीरे हो जाती है कभी तेज। अभी मैं आया हूँ बाहर और बाहर बहुत अच्छा और प्यारा मौसम हो रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, चेक दिस आउट गाइस। उसके बाद में अभी धूप आ चुकी है, मौसम एकदम साफ हो चुका है, हम जा रहे हैं आज मोटर व्लॉगिंग करने बाजार बाइक से। ऑफ रोड ही हो गया पकड़ वाली जब हमारा बहुत मुश्किलों के बाद काम हुआ आज। कल परसों जिस दिन मैं पिछली बार आया था तो उस टाइम ये बंद था बाजार, लेकिन आज पूरा खुला हुआ है। क्या यार, कभी ना बीच बीच में ऐसे खाने का मन तो हो रहा है कि कुछ खा लूँ, लेकिन फिर दिल को समझा रहा हूँ कि नहीं मत खा, मोटा हो जाएगा। सो गाइस, अभी शाम हो गया, बाजार से आए को काफ़ी देर हो गया एंड लेट्स सी द मौसम। देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है, बादल है ना ये अपने तरफ इधर मूव हो रहे हैं और अभी 2 मिनट पहले इतनी धूप थी करारी और अभी अंधेरा होने लग गया।
सो गाइस अभी आ रही है बहुत ही बढ़िया बारिश और मैं कर रहा हूँ इस बारिश को एंजॉय ऊपर छत के ऊपर खड़ा होके। और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो किस किस को बारिश के अंदर नहाना बढ़िया लगता है। मेरे ख्याल से सबको बढ़िया लगता है गाइस। देख लो क्या बढ़िया मौसम होता है, पेड़ से लहरा रहे हैं चारों तरफ ग्रीनरी, ऐसे लगता है कि गांव में रह के बहुत मजे आते हैं। हाय गाइस कैसे हैं आप सब, मैं हूँ रितेश बिश्नोई आप सबका दोस्त होस्ट। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।